हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल क्लास में। मेरा नाम है जीशान। दोस्तों, यहाँ पर एक अपडेट निकल कर आ रहा है इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से, यानी जो खुफिया विभाग है वहाँ से वैकेंसी आई हुई है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है। दोस्तों, उसमें जो पोस्ट का नाम है वो है सिक्योरिटी असिस्टेंट पब्लिक एग्जीक्यूटिव, जो कि एग्ज़ाम 2018 में होने वाला है। ये वैकेंसी आया हुआ है दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी वैकेंसी आई हुई है। इसमें लगभग 1050 पोस्ट हैं इसमें, और ये 10th लेवल के पोस्ट हैं, जो कि मैट्रिक लेवल का है। इसमें लगभग सभी लोग भर सकते हैं दोस्तों। ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई हुई है, और ये आपका इसका ऑनलाइन प्रक्रिया चालू है। इसको ऑनलाइन आप भर सकते हैं। और इसमें क्या क्या है, कितनी सैलरी है, और इसमें कितने कितने सीट किसे बांटा गया है, और इसका एग्ज़ाम कहाँ होगा, कैसे होगा, इसका सिलेबस क्या है, और भी बहुत सारे डिटेल्स दोस्तों इसमें हम पूरा बात करेंगे। हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक बटन को दबा दीजिए, और दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसे भर सके। और आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या क्या है। दोस्तों, मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर दो वेबसाइट है, www.mha.gov.in, और दूसरा है www.ncs.gov.in। यही दो वेबसाइट दोस्तों, इसी पर से आपको भरना है, उसके अलावा आपको किसी नहीं भरना है। आप जो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप राइट लिंक पा सकते हैं, आपको ये वेबसाइट खोलने की ज़रूरत नहीं है। आपको वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा सब कुछ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिखा रहा है टेबल ए में कि आपका जो सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो सेंटर एग्जामिनेशन, दोस्तों जो एग्जामिनेशन जो सेंटर है वो, ये जितना भी दिखा रहे हैं आपको यहाँ पर, जितना भी स्टेट है सब में आपको मिल जाएगा, ये जितना भी दिखा रहे हैं आपको। और आपको यहाँ पर दिखा रहा है लोकल लैंग्वेज द रीजन, यानी आपको जितना भी आप जो भी स्टेट के लिए भरिएगा वहाँ के लिए आपको वो लैंग्वेज आना मस्ट है, यानी जरूरी है, वरना आप वहाँ पर मत भरिए, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगर तला में अगर आप भरते हैं तो बंगला, लुशाई, मेथी, काबुरु, यानी जो भी है वो है। जैसे आप भरते हैं भोपाल के लिए तो आपको हिंदी आना चाहिए, भरते हैं अमृतसर के लिए तो आपको पंजाबी आना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे, आप जिस भी स्टेट के लिए भरिएगा तो आपको वो लैंग्वेज देख लीजिएगा, यहाँ पर सब दिया हुआ है, आपको वो आना जरूरी है। और यहाँ दिखा रहा है वैकेंसी विथ रिजर्वेशन ब्रेकअप, यानी आपको दिखाया गया है कि इसमें कितना वैकेंसी है। अगरतला के लिए 15 वैकेंसी है, अहमदाबाद के लिए 39 वैकेंसी है ना, इस तरह से देखिए। यहाँ पर आपको भोपाल के लिए 17 वैकेंसी है, इस तरह से आपको देखिए। दिल्ली के लिए जो आईबी के हेडक्वार्टर है उसके लिए 228 सीट है, और ये बाइफर्केट क्या क्या है, क्या गया यहाँ पर देखिए। अनरिजर्व में कितना है, ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर उसके लिए कितना है, एससी के लिए कितना है, एसटी के लिए कितना है, इसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत लंबा चौड़ा है। इतना बताऊंगा तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा ये, बाकी आप देख लीजिएगा। आप जहाँ के लिए भरेगा उसका लैंग्वेज आप देख लीजिएगा, वो लैंग्वेज आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जरूरी नहीं कि सब आना चाहिए, यानी आपको एक आना चाहिए। जैसे दिखा रहे हैं हमें जो भी स्टूडेंट झारखंड के हैं, देखिए यहाँ पर रांची, अगर आप रांची के लिए भरिएगा तो यहाँ पर हिंदी, बंगला, उड़िया, संताली, हो, मुंडरी, औरांव, खड़िया, कोठा, नागपुरी, कुर्मी, पंच, परगनिया, उर्दू, इसमें से कोई एक आना चाहिए। अगर ज़्यादा आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अब आगे देखते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ दिखा रहा टोटल, यहाँ पर जो आपको अनरिजर्व में आपको यहाँ पर 620 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 187 पोस्ट हैं, आपको एससी के लिए 160 पोस्ट हैं, और आपको एसटी के लिए 87 पोस्ट हैं, और टोटल जो है दोस्तों 1054 पोस्ट है। इतनी बड़ी वैकेंसी दोस्तों बहुत दिन बाद आई है आईबी के लिए। अब देखते हैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोस्ट, इसका क्या क्या पूरा डिटेल से देखते हैं। देखिए नेम ऑफ द पोस्ट, जैसे मैंने बताया आपको, सिक्योरिटी असिस्टेंट पब्लिक एग्जीक्यूटिव, उसका आपका क्लासिफिकेशन क्या है, जनरल सेंटर सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी के अंदर आता है, जो कि नॉन गजेटेड है, नॉन मिनिस्टेरियल है। इसका पे स्केल क्या है, सैलरी क्या है, 5200 से लेकर 20200 तक इसका पे स्केल है, और इसके में ग्रेड पे कितना मिलेगा आपको, 2000 रुपया है, जिसकी पेमेंट 1 है, प्लस एडमिसिबल सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउंस जितना भी है वो मिलेगा आपको, और ये जो है 7 CPC के अंतर्गत आपको सैलरी मिलेगा। और कुछ जो देख रहे हैं यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या है, यहाँ देख रहे हैं एसेंशियल, जो कि बिल्कुल ज़रूरी है, वो क्या है कि आपको मेट्रिकुलेशन यानी 10th पास होना चाहिए, या इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या एजुकेशन से, और साथ में क्या है, नॉलेज ऑफ एनी वन ऑफ द लोकल लैंग्वेज, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया टेबल ए में, जिसके लिए भी आप भरिएगा जो स्टेट के लिए, उसमें से कोई एक लैंग्वेज आपको आना जरूरी है। डिजिरेबल यानी इच्छित, इसमें क्या है, फील्ड एक्सपीरियंस इन
इंटेलिजेंस वर्क, अगर आप इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंतर्गत कोई प्राइवेट में भी काम किए हैं, कहीं भी काम किए हैं, अगर वो है एक्सपीरियंस दीजिए, बहुत अच्छी बात है, आपको चयन होने का उम्मीद ज़्यादा रहेगा। अब देखते हैं एज लिमिट क्या है, मैं दिखा रहा है एज लिमिट में नॉट एक्सीडिंग 27 ईयर्स, यानी 27 साल से आपका उम्र ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मिनिमम एज नहीं दिया है आपको, जो है 27 साल दिया, मैक्सिमम एज उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर आप SC ST के अंतर्गत आते हैं तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा, यानी 32 ईयर्स तक आप भर सकते हैं, और OBC हैं तो 3 साल छूट मिलेगा, यानी 30 साल तक आप भर सकते हैं। और अपर एज लिमिट इज रिलेक्सेबल फॉर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स, अगर आप किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो आपको 40 साल तक एज मिलेगा छूट, वहाँ पर आप भर सकते हैं। बाकी और सर बहुत सारे हैं, यहाँ आप देख लीजिएगा, आप पढ़ लीजिएगा, जो मेन मेन पॉइंट है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। आप देखते हैं कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम होगा वो किस टाइप का होगा। देखिए पहला जो है Tier 1 है, जो कि आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, रिटेन एग्जाम ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप्स MCQ, यानी मल्टी क्वेश्चन आपका चॉइस क्वेश्चन होगा, डिवाइडेड इंटू 4 पार्ट्स, जो कि 4 भाग में ये डिवाइडेड होगा, कॉन्टेंस क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स ईच, यानी हर के लिए 1 मार्क्स होगा। देखिए पहला जो है, जो 4 भाग में बांटा गया है ABCD, पहला जो है जनरल अवेयरनेस, जो कि 40 क्वेश्चन होगा इसमें, और आपका बी नंबर में देखिए दिखा रहा आपको क्वांटिटेटिव, यानी जो मैथ है उसके लिए 20 क्वेश्चन होगा, और आपका लॉजिकल या एनालिटिकल एबिलिटी, जो कि रीजनिंग बोलते हैं, जो कि 20 क्वेश्चन होगा, और चौथा नंबर पे है इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि 20 नंबर का होगा। इन टोटल जो है आपका 100 क्वेश्चन होगा, और ये 100 मार्क्स का होगा, यानी 1 क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, और टाइम जो मिलेगा आपको वो 2 घंटा मिलेगा। आगे देखते हैं, आगे है Tier 2। Tier 2 है दोस्तों वो है इसमें आपको क्वालिफाइंग करना है, यानी क्वालिफाइंग कितना है 20 मार्क्स है, 20 नंबर ले आते हैं आप तो आपको क्वालिफाइंग हो जाएगा नेक्स्ट एग्जाम के लिए। ये है डिस्क्रिप्टिव टाइप है, इसमें कि ट्रांसलेशन ऑफ ए पैसेज ऑफ 500 वर्ड्स फ्रॉम लोकल लैंग्वेज, जो लैंग्वेज आपको मैंने ऊपर बताया उसी में से पूछा जाएगा आपको, डायलेक्ट टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, ठीक है, उसको आपको इंग्लिश में चेंज करना है या उसके उल्टा करना है। ये जो है ये आपको 40 मार्क्स का होगा, जो कि 1 घंटे का होगा एग्ज़ाम। और जो बी पे है वो है आपको जो Tier 2 में दूसरा नंबर पे स्पोकन एबिलिटी, यानी आपको जो क्षमता है बोलने का वो देखा जाएगा, वो 10 मार्क्स का होगा। और Tier 3 में दोस्तों यहाँ आपको इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, जो कि 50 नंबर का होगा। अब यहाँ दिखा रहा है सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स, वो किस तरह से होगा, आपको जो नेगेटिव मार्क्स होगा वो 1 क्वेश्चन अगर गलत करते हैं आपको तो 1/4, यानी आपको 4 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन अगर गलत करते हैं तो वो आपको कट कर देगा। यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर दिया गया है आपको कैसे कैसे वो लेगा, सबको दिखाया गया है, ये दिखा रहा है कट ऑफ मार्क्स, जो आपका अनरिजर्व है उसके लिए 35 लाना जरूरी है कम से कम, OBC के लिए 34 है, SC ST के लिए 33 है, ये उसका कट ऑफ मार्क्स है 100 नंबर में से। बाकी आप पढ़ लीजिएगा अपना, बहुत लंबा चौड़ा यहाँ पर दिया गया है, जो मेन मेन चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ फटाफट। अब देखा यहाँ पर हाउ टू अप्लाई, कि आपको कैसे अप्लाई करना है दोस्तों, ये जो है ऑनलाइन अप्लाई करना है, जैसे मैंने ऊपर बताया 2 वेबसाइट दिया गया है, MHA.gov.in और NCI.gov.in, दोनों पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, और ये जो PDF है पूरा वो भी लोड कर सकते हैं। और ये दोस्तों एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड थ्रू एनी अदर, यानी ऑनलाइन के अलावा दूसरा कोई भी मोड में आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है, ये ऑनलाइन ही करना है आपको। और इसका जो है 20/10/18, यानी 20 अक्टूबर से, यानी आज से ये शुरू हो चुका है, और 10/11/18 यानी 10 नवंबर तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं रात के 12 बजे तक। उसके बाद से इसका लिंक जो है वो दोस्तों वो हट जाएगा, इसमें आपको सब कुछ दिया गया है, कैसे फोटो अपलोड करना है, क्या साइज होगा, क्या नहीं करना है, वरना किस वजह से आपका फोटो आपका फॉर्म है वो लेट हो जाएगा, सब कुछ आप आसानी से पढ़ लीजिएगा, सारा कुछ दिया है, जैसे कि फॉर्म भरते हैं आप रेगुलर और सब उस तरह से भरना है। अब देखते हैं फ़ी के बारे में, फ़ी क्या क्या है, एग्जामिनेशन फ़ी, ये दोस्तों 50 रुपये का फ़ी लगेगा आपको, ओनली मेल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू जनरल एंड OBC कैटेगरी, जो जनरल है और OBC है मेल में उसके लिए 50 रुपये का फ़ी लगेगा, बाकी अदर के लिए जो फीमेल है या जो SC ST है, एक सर्विसमैन है, वो सबको फीस
नहीं लगेगा। अब देखते हैं आगे, मोड ऑफ पेमेंट, या आपको पैसा जो जमा करना है वो कैसे करना है। द एग्जामिनेशन फी कैन बी पेड ऑफलाइन और ऑनलाइन, यानी आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। और कैसे करना दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हमारे बात को ध्यान से सुनिए कि आफ्टर ए गैप ऑफ वन वर्किंग डे फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप सेम डेट में आप पैसा ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा नहीं कर सकते। आपको एक दिन गैप करके अगले दिन, अगर आप आज जैसे 20 तारीख है, अगर आप आज रजिस्ट्रेशन किए तो आप 21 तारीख को करना है, अगर 21 को रजिस्ट्रेशन किए तो आपको 22 को करना है, यानी एक दिन गैप करके करना है, ठीक है दोस्तों। ऑफलाइन के लिए क्या है, आपको चालान होगा जनरेट, वो करके आपको बैंक जाना है, वहाँ से करना है। और दूसरा ऑप्शन है ऑनलाइन पेमेंट। दोस्तों मैं तो आपको सपोर्ट करूँगा कि आप ऑनलाइन ही कीजिए, क्योंकि आसानी है, उसमें घर बैठे हो जाता है। ATM कम डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, और आपका जो इंटरनेट बैंकिंग उससे कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारा दिया गया है, SBI क्रेडिट से कर सकते हैं, इस तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं। और ये दोस्तों इसमें बताया आपको जो क्लोजिंग डेट है वो 10/11/18 को, वो टिल 12 बजे तक रहेगा, उसके बाद वो आपको क्लोज हो जाएगा लिंक, आपको लिंक वो नहीं खुलेगा। इस तरह से रहा, ये बहुत सारे इसमें ऑप्शन है जल्दी दिखा रहे हैं नीचे, और कुछ क्या है आप लोगों के लिए, ये जितना है बहुत बड़ा है, 18 पेज का है भरते, अगर मैं बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। ये रहा वार्निंग, इसको भी आप देख लीजिएगा अच्छा से, इसमें दिया गया है, ये दिया गया है कि इसके अलावा कोई भी दूसरी वेबसाइट पर नहीं जाए, क्योंकि वो सारा आजकल फेक होता है, वही बताया गया है इसमें। ये रहा फॉर्मेट सब, कि अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उसके लिए ये फॉर्मेट है, उसमें भर के आपको अपलोड करना है, अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो। ये आपको ऑफिस कैंडिडेट के लिए है, इस तरह से आपको सारा कुछ मिल जाएगा। ये नेशनल फेडरेशन, ये नेशनल एसोसिएट ऑफ ग्रुप सी एंड डी अंडरटेकिंग, जो भी अगर आपको स्पोर्ट्समैन हैं, स्पोर्ट्स खेले हैं, वहाँ से कोई अवार्ड जीते हैं, अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हैं तो इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं आप, उसमें भी आपको कुछ छूट मिलेगा, क्योंकि स्पोर्ट्स के लिए भी अलग से कोटा है। ये बहुत सारे फॉर्मेट हैं, यहाँ से आप देख लीजिएगा और अपने हिसाब से भर के उसे अपलोड कर दीजिएगा। दोस्तों ये रहा इंटेलिजेंस ब्यूरो का फॉर्म, जो कि मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, फिर भी आपको इस फॉर्म से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों इसको अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो भी जान सके और फॉर्म को भर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।